हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि स्पेशल हमारी आज की रेसिपी है पनीर का पराठा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पराठे के लिए आटा गूंद लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है राजगिरे का आटा। तो 2 कप आटा ले लेना है हमें। आप यहाँ पे चाहे तो सिंगारे का आटा या फिर वरई का आटा भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें मैंने डाला है सेंधा नमक और थोड़ा सा गुनगुना पानी ऐड करते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करके लेंगे। डो बन के तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे। ढक्कन ढक के इसे रख देते हैं साइड में और तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो पनीर की स्टफिंग के लिए पनीर को मैं सबसे पहले यहाँ पे ग्रेट करके लूँगी। तो ये रेडी हो गया है 1 कप पनीर। अब इसमें थोड़े मसाले डालते हैं। सेंधा नमक डाल लिया है, ज़ीरा पाउडर, थोड़े सा ज़ीरा भी डाला है मैंने, फिर ग्रीन चिली आप क्रश करके डाले, मैंने छोटी छोटी बारीक करके डाली है, और डालिए कोरिएंडर, धनिया अगर आप अपने फास्ट में खाते हो तो ही डाले। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। एंड तब तक हमारा 10 मिनट हो चुके हैं, डो बन के तैयार है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी एंड इसे अच्छे से एक बार फिर से मसल लेंगे, अच्छे से मिक्स करके लेंगे। और ये एक मैंने पेड़ा तैयार कर लिया है रोटी बेलने के लिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 2 रोटी बेल लेनी है। एक हो गई है, अब मैं दूसरी बेल लूँगी, सेम प्रोसेस। तो अब ये तैयार है, इसके ऊपर हम रखेंगे हमारी स्टफिंग। फैला लेंगे अच्छे से, इसके ऊपर रख देते हैं दूसरी वाली रोटी जो हमने बेल ली है। और जितनी साइज़ हमने स्टफिंग रखी है उतनी साइज़ का आपके पास अगर जो भी अगर कुछ कंटेनर है या फिर प्लेट है वो चाहिए हमें। और इस तरह से टैप करते करते दोनों पराठों को रोटी को हम चिपका देंगे अच्छे से। एंड इस तरह के कंटेनर से मैं इसका राउंड शेप तैयार कर ले रही हूँ। फिर ये साइड का एक्स्ट्रा आटा है इसे निकाल लेना है और इसे बस हम रोटी रोटी की तरह सेक लेंगे। थोड़ा सा घी अप्लाई किया है मैंने तवे के ऊपर और धीमी आंच पे इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेक लेंगे। एक 30-40 सेकेंड बाद, 1 मिनट बाद इसका साइड जो है चेंज कर लेंगे। एंड देखिए हमारा पराठा बिल्कुल बनके तैयार है अच्छे से। इसमें बहुत सारी स्टफिंग मैंने भर ली है और बहुत ही टेस्टी बना है। बहुत कम चीज़ों में बहुत ही कम टाइम के साथ बनता है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल तो आप डोफ के अंदर ही पनीर को डाल दीजिए, जिस तरह से मैंने ये वाले पराठे बनाए हैं। और ये भी एक सिंपल तरीके से बन जाते हैं और टेस्टी लगते हैं। आप इसे दही के साथ इंजॉय करें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब करें अगर आपने किया नहीं है, और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें ताकि वीडियोस अगर मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट।